i hope you all are good now today i'm again back with another video on a demand sultana's dream by begum rukaya first of all let us discuss about the author that is begum rukaya begum rukaya was an indian or we can say was a pioneering feminist writer born in british india and that is today bangladesh in 1880 her works include notable short story sultana's dream बेगम रुकैया एक इंडियन राइटर है और बिकिन हम कह सकते हैं कि ये एक फेमिनिस्ट राइटर है मतलब feminist, मतलब ज़्यादातर और फेमिनिस्ट औरतों के लिए ज्यादा लिखती है ये ठीक है और इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया में जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश कहलाता है और 1880 में इनका जन्म हुआ था ये शॉर्ट स्टोरी लिखती है और इस शॉर्ट स्टोरी इनकी बहुत ही फेमस है इसका नाम है ड्रीम नाउ सुल्तानी ड्रीम इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय बेगम रुकैया इट टेल्स स्टोरी ऑफ अ ड्रीम एक्सपीरियंसड बाय अ वेमेन नेम सुल्ताना सुल्ताना ड्रीम एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि बेगम रुकैया के द्वारा लिखी गई है और ये जो स्टोरी है इसमें एक ड्रीम के बारे में बताया गया है जो कि एक विमेन को दिखता है जिसका नाम है सुल्ताना इन दिस ड्रीम सुल्ताना फाइंड हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड कॉल्ड लेडी लैंड सुल्ताना अपने आप को इस ड्रीम में एक ऐसे वर्ल्ड में पाती है जिस वर्ल्ड जिस का नाम है लेडी लैंड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों के बारे में ही काफ़ी कुछ अच्छी बातें होती हैं विच कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर ओन सोसाइटी जो कि उसकी सोसाइटी से काफ़ी अलग होता है मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जिस तरह से आज के समाज में ज़्यादातर पुरुषों को महत्वता दी जाती है तो वो जो ड्रीम उस वो देख रही है उस लेडीलैंड में वहां पर विमेन के लोग विमेन को ज्यादा महत्व दिया जाता है सॉरी दुमन ऑफ लेडीलैंड आर अहेड ऑफ अस इन ऑल रिस्पेक्ट दे रिसीव हायर एजुकेशन एंड आर फ्री टू मूव अब ये उस लेडीलैंड के बारे में बताया गया है उस ड्रीम के बारे में जो लेडीलैंड देख उस ड्रीम में जो लेडीलैंड दिखाई जा रही है उसके बारे में बताया गया है यहां पर क्या कि जो लेडीलैंड की विमेन है वो हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है सारे रेस्पेक्ट्स मतलब हर एक चीज में एजुकेशन एंड फ्री टू मूव और वो जहां चाहे वहां जा सकती है सुल्ताना इज अमेज बाय दिस रोल रिवर्सल एज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट शी नोज इन हर ओन सोसाइटी सुल्ताना को ये देख कर बहुत ही अमेज हो जाती है मतलब ये बिल्कुल उससे उल्टा होता है जो कुछ भी वो अपनी सोसाइटी में देखा होता है उसने अभी तक दो सुल्तानाज ड्रीम बेगम रुकैया क्रिटिक्स द जेंडर इन इक्वालिटी एंड द रिस्ट्रिक्शंस और सुल्ताना का जो ड्रीम है मतलब बेगम रुकै के द्वारा जो लिखा गया ये शॉर्ट स्टोरी है सुल्ताना ड्रीम इसमें जो है वो जेंडर इन इक्वालिटी के बारे में बात करती है और किस तरह से वुमेंस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनकी सोसाइटी में उसके बारे में ये अपने ड्रीम में बता रही है द स्टोरी हाईलाइट्स द पोटेंशियल फॉर वुमेंस एम्पावरमेंट एंड चैलेंजेस जेंडर रोल्स अपनी शॉर्ट स्टोरी में ये हाईलाइट करती है वुमेंस के पोटेंशियल को उनके एम्पावरमेंट और चैलेंजेस को नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज In her dream, she sees how women in Ladyland have made significant progress in science, technology, and social issues. इशूज अपने ड्रीम में वो देखती है कि किस तरह से विमेन जो लेडी लैंड लैंड की हैं उन्होंने किस तरह से प्रोग्रेस करी है साइंस की फील्ड में टेक्नोलॉजी की फील्ड में और सोशल इश्यूज की फील्ड में दे हैव हॉनेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड हैव क्रिएटेड अ पीसफुल एंड एडवांस्ड सोसाइटी न शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशियंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर देयर लिवलीहुड वो आगे बताती है कि वीमेन को अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए किसी भी चीज के लिए वो आदमी के ऊपर निर्भर ना हो वही उसके लिए बेहतर होगा यही वो अपनी ड्रीम के थ्रू वीमेन को समझाना चाह रही है सुल्तान ड्रीम इंक्लूडिंग वुमेन्स एजुकेशन एम्पावरमेंट जेंडर रोल्स एंड द पोटेंशियल फॉर अ मोर इक्वल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी सुल्ताना का जो ड्रीम है ये बताता है कि किस तरह से जो एजुकेशन है एम्पावरमेंट है जेंडर रोल्स और जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल ही एक बराबर होना चाहिए एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में नाउ टू कंक्लूड बेगम रुकैया स्टोरी प्रमोट द आइडिया दैट विमेन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन मीनिंगफुल वे इफ गि अपॉर्चुनिटी अब इसमें जो बेगम रुकैया की शॉर्ट स्टोरी है ये प्रमोट करती है आइडिया को किस आइडिया को कि जो वुमेन है उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में बिल्कुल मीनिंगफुल वे में जिस तरह से कोई भी और जेंडर करता है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच